रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती नज़र आ रही है। ग्वार गम 11,400 11,500 की रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 3% का ऊपरी सर्किट है। वहीं ग्वार सीड देख रहे हैं कि 6,300 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 2% की तेज़ी के साथ। आपको क्या लगता है, ये जो क्रूड में जो तेज़ी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, क्या उसी का ये असर ग्वार की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहा है? देखिए, ग्वार की जो प्रोडक्शन है उस पे भी एक्सपेक्टेशन है कि वो 5 साल के लो पे होगी। एक तो वो रीजन है और दूसरा क्रूड प्राइसेस भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस में। तो ये दोनों प्राइसेस, दोनों चीजें जब कर रही हैं तो हम देख रहे हैं कि एक तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, ऊपर से टेक्निकल फॉर्मेशन भी स्ट्रांग है। तो यहाँ से फर्दर चांसेस है कि हायर साइड रैली ही देखने को मिलेगी। और ग्वार सीड में पिछले हफ्ते भी जब हमारी बात हुई थी तो उस समय भी मैंने बोला था कि 6,400 से 6,600 तक के ग्वार सीड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में भी 11,900 तक के लेवल हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि ग्वार गम और ग्वार सीड, एक तो प्रोडक्शन इनका थोड़ा कम रह सकता है, जैसे रविंद्र जी ने बताया कि 5 साल के लो प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की जो कीमतें ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही हैं, उसका असर भी ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। रविंद्र जी के मुताबिक ग्वार सीड 6,400 से 6,600 और ग्वार गम अपर साइड में 11,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल की, तो एडिबल ऑयल में आपको क्या लगता है, खासकर कि सीपीओ में आगे कैसा रुझान रहेगा? देखिए, सीपीओ में हायर साइड ही देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल बाजारों में तेजी बनती हुई दिख रही है और शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें देखने को मिली जरूर है अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन आज हमने देखा कि प्राइसेस जो थे ये अगेन 5,000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर गए और उसके बाद में हायर साइड ही सस्टेन कर रहे हैं। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी सीपीओ जो है ये पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। जी, सर्दियों में जब लगे वॉर्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।